नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। वक्त हो चला है 100 शहर की खबरों को जान लेने का। ये शुरुआत करते हैं बुलेटिन। दिल्ली में भी कोरोना महामारी घोषित। 31 मार्च तक सभी सिनेमा हॉल बंद। मॉल, स्कूल, दफ्तर समेत सभी सार्वजनिक जगहों को रोज सैनिटाइज करने का आदेश। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर के 74 हुई। प्रधानमंत्री बोले, दहशत से बचे, सावधानियों को अपनाए। मंत्रियों की विदेश यात्रा पर रोक। कोरोना वायरस के फैलावे को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि लोग विदेशों की गैर जरूरी यात्राओं से परहेज करें। कोरोना पर विदेश से आने वालों के लिए सेना की बड़ी तैयारी। अलग अलग हिस्सों में निगरानी कैंप तैयार। 2-3 दिन में विदेश से और लोग आने की उम्मीद है। कोरोना पर एहतियात बरतते हुए कल से राष्ट्रपति भवन टूरिस्ट के लिए बंद। चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी में भी नहीं शामिल हो सकेंगे आम लोग। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार तैयार है। अब तक 52 संदिग्ध मरीजों की हो चुकी है जांच। बिहार में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है अभी तक पॉजिटिव। रांची में कोरोना वायरस को लेकर के रिम्स में अलर्ट। एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की बैठक। अधिकारियों ने किया तैयारियों का निरीक्षण। रांची के रिम्स में कोरोना की जांच के लिए 3 संदिग्धों का सैंपल लिया गया है। संदिग्धों का सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजा गया। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को लेकर के चक्रधरपुर रेल मंडल भी अलर्ट पर है। रेल मंडल की तरफ से एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें रेल कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना महामारी से शेयर बाजार में भी ऐतिहासिक गिरावट। निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। सेंसेक्स 2919 अंक गिर करके बंद। तो निफ्टी में 868 अंकों की गिरावट। हरियाणा के गुरुग्राम सैनिटाइजर कंपनी का भांडाफोड़। अवैध रूप से बनाया जा रहा था सैनिटाइजर। हजारों सैनिटाइजर की खाली बोतल और सामग्री बरामद। पूरे देश में 100 जगहों पर बनाया गया कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए लैब। ईरान और इटली में फंसे भारतीय के सैंपल की भी भारत में हो रही है अब जांच। कोरोना के कारण केरल में व्यापार पर पड़ा असर। कोरोना और बर्ड फ्लू के डर से सामानों की खरीद बिक्री में आई भारी कमी। कोरोना के डर से पोल्ट्री उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के पालघर में अफवाह फैली कि चिकन से कोरोना फैलता है, जिसके बाद मजबूर होकर पोल्ट्री मालिक ने 9 लाख अंडे और 2.5 लाख चूजे जमीन पर दफना दिए। कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारत ने 15 अप्रैल तक सभी विदेशी वीजा रद्द किए। डिप्लोमेट्स, यूएन कर्मचारियों को ही भारत आने की छूट है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन ने कोरोना से बचने के लिए हाथ मिलाने के बजाय अब नमस्ते कहने का फैसला किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन ने पहले ही नमस्ते कर चुके हैं और इसकी अपील भी की है उन्होंने। आरजेडी प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्रधारी ने राज्यसभा सीट के लिए भरा पर्चा। तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता नामांकन के दौरान मौजूद थे। अमरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर आरजेडी में हैरानी है। कई नेताओं को मालूम तक नहीं है कि नाम जेडीयू ने भी साधा है निशाना। आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार पर बोले जेडीयू नेता अजय आलोक, कहा कि आरजेडी में नए नए फफूंद उगते रहते हैं, यह आरजेडी का चरित्र ही है। बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव ने आरजेडी की ओर से बनाए गए राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी मेहनत करने वाले कार्यकर्ता की अनदेखी करती है। एडी सिंह पर आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि अच्छा होता कि आरजेडी ऐसा चेहरा लाती जिसे बिहार की जनता जानती हो। एडी सिंह को आरजेडी का राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी धन पशु लोगों को टिकट देती है। आरजेडी का विचारों से कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा आला नेताओं से हो गई है बात, हर बार कांग्रेस को साथ लेकर चलने का किया है काम। बिहार में राज्यसभा के लिए बीजेपी ने खेला स्वर्ण कार्ड। सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को बनाया उम्मीदवार 5 सीटों के लिए। 26 मार्च को होगा चुनाव। पटना में कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसद आरके सिन्हा को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजने पर जताई नाराजगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बंधुआ मजदूर नहीं है कायस्थ समाज। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए संग्राम शुरू हुआ। महागठबंधन के उम्मीदवार शिबू सोरेन की जीत लगभग तय। सीएम हेमंत सोरेन ने दूसरी सीट पर भी किया जीत का दावा। बिहार कांग्रेस को लेकर जेडीयू का बड़ा दावा। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। कांग्रेस के कई एमएलए हमारे संपर्क में है। जेडीयू के इस दावे के बाद कांग्रेस में खलबली मची।
बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए बीजेपी ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, कहा मांग पूरी नहीं हुई है तो चरणबद्ध तरीके से होगा आंदोलन। बाबूलाल बोले अध्यक्ष पर छोड़ दिया है फैसला। झारखंड विधानसभा में उठे जनता के सवाल, प्रदीप यादव ने जेपीएससी परीक्षा का उठाया मामला, बिजली की किल्लत और विस्थापन के मुद्दे पर सवाल जवाब। बीजेपी ज्वाइन करके ज्योतिरादित्य सिंधिया की भोपाल में जोरदार एंट्री, एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो, कल भरेंगे राज्यसभा चुनाव नामांकन। सिंधिया पर राहुल गांधी का सीधा वार, कहा अपने फैसले पर पछताएंगे, विचारधारा से भटक गए हैं, दिल में कुछ और है और जुबा पर कुछ और है। भोपाल में सिंधिया का कांग्रेस पर खुलकर निशाना, कहा मैं सही को सही बताने वाला व्यक्ति हूं, अटल जी और मोदी जी की तरह मेरा भी लक्ष्य जनसेवा ही है, राजनीति नहीं। एमपी के सियासी संकट में अब स्पीकर एक्टिव, 22 बागी विधायकों को कल तक मिलने के लिए बुलाया है कांग्रेस के बाकी विधायक अभी जयपुर। बेंगलुरु में एमपी के बागी विधायकों के रिजॉर्ट में घुसने की कोशिश करते कमलनाथ के मंत्री जीतू पटवारी उतरे हाथापाई पर, पुलिस ने गिरफ्तार कर फिर छोड़ भी दिया। भोपाल के कांग्रेसियों ने फूका ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी की, रानी हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। दिल्ली दंगों पर गृहमंत्री का राज्यसभा में ऐलान, धर्म या मजहब नहीं देखेंगे, दंगा करने वाले हो या फिर फंडिंग करने वाले और अफवाह फैलाने वाले, पाताल से भी झूठ लाएंगे। दिल्ली दंगों के पीछे फंडिंग पर अमित शाह का खुलासा, 24 फरवरी से पहले ही पता चल गया था कि दिल्ली में देश विदेश से पैसे आने और बांटे जाने का, जल्द बताएंगे पूरा सच। अमित शाह ने कहा कि मुझ पर आरोप लगा है लेकिन पुलिस पर नहीं, पुलिस ने ही 36 घंटे में दंगों को फैलने से रोका है, उसे श्रेय देना ही होगा। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के मर्डर पर पहली गिरफ्तारी हुई है, आरोपी का नाम सलमान है, निर्वस्त्र करके चाकू से किए गए थे 400 बार, नाले में फेंका था शव। दिल्ली पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के आरोप में 7 गिरफ्तार, दंगों में अब तक 712 एफआईआर, 200 से ज्यादा लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली दंगों के कनेक्शन में पीएफआई का अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास गिरफ्तार हुआ, सीए के खिलाफ शाहीन बाग के प्रदर्शन में लोगों को भड़काने और फंडिंग का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनेगी लखनऊ में उपद्रवियों का पोस्टर का पूरा मामला, योगी सरकार की दलील, बंदूक लहराने वाले दंगाइयों की कैसी प्राइवेसी। औरंगाबाद में आवास आवंटन के नाम पर वसूली कर रहे युवक की बेरहमी से पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, मुखिया पति और उसके सहयोगी पर आरोप। मधुबनी में जयनगर थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ला में वाहन की चपेट में आने से महिला की हुई मौत, हादसे में आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आगजनी भी की है। बांका में शराब से लदी पिकअप वैन पलट गई, सड़क पर बिखरी बोतलों को लूटने के लिए लोगों में मची होड़, शराब तस्कर मौके से हुए फरार। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है अब पुलिस। अररिया नगर थाना क्षेत्र के मटियारी में ऑटो ने खड़े ट्रैक्टर के ट्रॉली में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मधुबनी में अज्ञात गाड़ी ने 2 को रौंद दिया, हादसे में 1 महिला की मौत हो गई जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है, भड़के लोगों ने सड़क को किया जाम। मधुबनी में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है, परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाया, घटना लखनौर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव की है। पुणे में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की हुई मौत, घटना अमौर थाना क्षेत्र के बरेली पुल के पास की। सुपौल शहर के एक निजी स्कूल में काम करने वाले अकाउंटेंट ने प्रेम प्रसंग में की आत्महत्या, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में एक पिकअप और ऑटो की भीषण टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, घटना आरा मोहनिया एनएच पर जगदीशपुर के हाथ पोखर के पास की। औरंगाबाद में कल से लापता किशोर की हत्या, मदनपुर थाना क्षेत्र के भीतर डोकरी गांव के पास स्थित पहाड़ी से शव बरामद हुआ, शक के आधार पर एक शख्स हिरासत में है। मुजफ्फरपुर में एक घर में लगी आग, इसमें करीब 2.5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मधेपुरा में 2 बच्चे समेत महिला को दबंग साहूकार ने अपने घर में बनाया बंधक, 18 घंटे बाद महिला और बच्चों को कराया गया मुक्त, ब्याज का पैसा नहीं चुकाने पर साहूकार ने बनाया था बंधक, घटना जिले के चौसा की पूरी पंचायत वार्ड नंबर 4 की है। नालंदा में रिटायर्ड शिक्षक के घर से 2.25 लाख कैश, जेवरात समेत 15 लाख रुपए के सामान की चोरी की गई, मामला हिलसा थाना क्षेत्र के ग्राम मूर्ति नगर मोहल्ले की, मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। पूर्णिया में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा, चोर मंदिर की कीमती अष्टधातु की मूर्ति को चोरी कर फरार हो गए, मामला खाजाची हाट थाना क्षेत्र के गोकुल कृष्ण ठाकुरबाड़ी मंदिर का है। सहरसा में चोरों ने एक मंदिर से 5 अष्टधातुओं की मूर्ति की चोरी की है, चोरी की गई मूर्ति की कीमत लाखों में बताई जा रही है, वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पटना में हथियार के बल पर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, दुकानदार से 20,000 रुपए लूटे गए, पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया।
लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े हत्या के बाद परिजन दहशत में है। मामले में एफआईआर भी दर्ज कर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मोतिहारी में घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए अंतर जिला अपराधी गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य अपराधी फरार होने में सफल रहे हैं। 3 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पटना में बेकरी दुकान में लूटपाट करने के मामले का खुलासा हुआ है। 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 1500 रुपए, एक पिस्टल, एक चाकू भी बरामद। सुपौल में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस टीम गई थी, इसी दौरान हमला हुआ। मामला किशनपुर थाना क्षेत्र का है। भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कुल सचिव के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कुल सचिव बार बार हमें अपमानित करते हैं। सिवान के गुठनी सरकारी अस्पताल में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि प्रसव कक्ष से एक आवारा कुत्ते ने नवजात बच्चे को उठा लिया और उसे मार डाला। बच्चे की मौत से घर वाले का बुरा हाल है। गोपालगंज में शराब माफियाओं ने एक शख्स और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की है। पीड़ित ने शराब महिलाओं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है और मामला मधेपुरा इलाके का बताया जा रहा है। लातेहार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जेएमएमपी के 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाइक के साथ 30,000 रुपए भी नकद बरामद किए गए। हजारीबाग के चरही में पिकअप वैन पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हो गए। मजदूर पिकअप वैन में मिक्सर मशीन लादकर ले जा रहे थे। सरायकेला में गर्भवती महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गला दबाकर हत्या की आशंका, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। सरायकेला राजनगर थाना क्षेत्र के सितानी गांव में दुपट्टे से गला घोटकर युवती ने की है आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक की पत्नी ने सास पर लगाया हत्या का आरोप। लोयाबाद थाना क्षेत्र का यह मामला। हजारीबाग के लोसिंघना थाना अंतर्गत मंडई खुर्द में मध्य विद्यालय के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जामताड़ा में लड़की के साथ गांव के एक शख्स ने किया दुष्कर्म। घटना के बाद आरोपी फरार है। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराया केस। देवघर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। साफ सफाई के लिए खरीदे गए बायो टॉयलेट खुले आसमान के नीचे हो रहे हैं बर्बाद। नगर आयुक्त रो रहे हैं नई ज्वाइनिंग का रोना। शहबासा में पोड़ाहाट जंगल के आनंदपुर वन क्षेत्र में अपने झुंड से बिछड़ा नन्हा हाथी हुआ बीमार। हाथी के बच्चे के इलाज में जुटा बंद था। हजारीबाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोड शेडिंग किए जाने के खिलाफ बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों की परेशानी को बताते हुए कहा है कि डीवीसी और बिजली विभाग को इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। यूपी के बागपत में यमुना नदी में पलटी नाव, 13 लोगों में 6 बचाए गए, 7 लोगों की तलाश जारी। गाजियाबाद के शास्त्री नगर कॉलोनी में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इलाके में दहशत का माहौल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के बैतूल में पड़ोसी ने की 2 बच्चों की हत्या। घुसाए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। जयपुर के चौमू में खड़े ट्रक से टकराई बस, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार में टीचरों की हड़ताल लगातार 25 दिनों से जारी है। उचका गांव प्रखंड संसाधन केंद्र पर हड़ताली टीचरों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लखीसराय में समान काम समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर नियोजित शिक्षकों की जारी है हड़ताल। शिक्षकों ने एक बार फिर अपनी मांग सरकार से दोहराई। मुंगेर विश्वविद्यालय के गेट पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे 10 लोगों ने धरना दिया। मामले पर रजिस्ट्रार ने कहा है कि बहाली में कुछ दिक्कत थी जिसे दूर कर लिया जाएगा और जल्दी बहाली का काम भी शुरू हो जाएगा। गोपालगंज में मजदूरों को सरकारी दर के हिसाब से मजदूरी नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से हर बोरे की ढुलाई पर 7.34 रुपए दर तय है, लेकिन मजदूरों को महज 2 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सासाराम पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिदंडी स्वामी के शिष्य वीर स्वामी के यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोकारो में पुलिस अधिकारियों के साथ एसपी ने हम बैठक की है। बैठक में नक्सलियों ने हिंसा रोकने और उनसे निपटने पर चर्चा हुई। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने दिल्ली में पीएम से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। इसमें ढाल भूमगढ़ एयरपोर्ट का काम जल्द से शुरू करने की मांग की गई। जामताड़ा के विद्यासागर स्टेशन रेलवे परिसर में विद्यासागर की मूर्ति की स्थापना हुई है, साथ ही उनकी कृतियां भी स्टेशन में सजाई गई है।
दुमका में पुलिस अधीक्षक ने 52 नाम नियुक्त पुलिस उप निरीक्षक के साथ बैठक की। इस दौरान एसपी ने अपराध रोकथाम को लेकर कई निर्देश दिए। रांची में 12वें बसंत मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेले में कई महिला उद्यमी ने अपना स्टॉल लगाया। ये मेला 15 मार्च तक चलेगा। सिमडेगा में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ी। प्राइवेट बैंकों से अकाउंट हटाने की खबर पर आरबीआई का सभी राज्यों को खत, कहा बैंकिंग सेक्टर के लिए फैसला ठीक नहीं है। 21 जून को लेह में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, समारोह में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। 29 मार्च को पीएम मोदी करेंगे मन की बात, पीएम मोदी ने लोगों से मांगे सुझाव और सवाल। यूपी के मेरठ थाने में होली के दौरान साड़ी पहनकर नाचते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल, पुलिसकर्मी के डांस का दीवाना हुआ सोशल मीडिया। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 29 अप्रैल से शुरू, श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए पुलिसकर्मियों को चार्ट बनाने का प्रशासन ने दिया आदेश। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में खुली पाकिस्तान की पोल, बलूचिस्तान के लोगों की खराब हालत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ यूएनएचआरसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों से यूरोपीय सांसदों ने की चर्चा। इराक में ताजिया मिलिट्री बेस पर रॉकेट हमला, हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 ब्रिटिश नागरिक की हुई मौत। नाटो सेना ने भी अंबर में इराकी मिलिशिया के अड्डों पर किया है हमला। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार का नया गाना रिलीज हो गया है। गाने को कंपोज अनु मलिक ने किया है, अपनी आवाज दी है। शिल्पा शेट्टी का नागिन डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लाल रंग की साड़ी में शिल्पा शेट्टी लग रही है बेहद खूबसूरत। और आइए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। मथुरा में राधा रानी की ननिहाल में चरकुला नृत्य का आयोजन किया गया। इस चरकुला नृत्य